बात से कहिए, ऐसा ना करें। आप तो घर की बड़ी बहू है ना, तो आप बा को समझाइए। कान्हा जी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे परिवार का या मेरे घर का बंटवारा हो। ये हमारा परिवार है, हम सबका परिवार है, आप समझाइए बा। हाँ कोकिला, हाँ ये हमारा परिवार है, इसका बंटवारा नहीं हो सकता, हम ये बंटवारा होने नहीं देंगे। उठा भाभी, मैं आपके पैर पड़ के क्षमा चाहती हूँ। अगर मेरी बात से आपको दुख पहुंचा है तो मैं तहे दिल से आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मेरा यकीन मानिए मोटा भाभी, मैंने कभी भी जानबूझकर आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाई है, सच कह रही हूँ। शादी करके जिस दिन से इस घर में मैंने कदम रखा है, मैंने आपको अपनी जेठानी नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन माना। जानती हूँ कोकिला, जानती हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने भी तो अपनी छोटी बहन को कितनी कड़वी बातें कही हैं, कितनी ऐसी चीजें कही हैं जिससे तुम्हें ठेस पहुंची होगी। नहीं मोटा भाभी, उनसे बातों को भूल जाइए, याद कीजिए वो सैकड़ों हजारों पल जो हमने हमने साथ साथ गुजारे हैं। मोटा भाभी, हमने साथ साथ परिवार को चलाया है, सुख दुख हम दोनों ने मिलकर बांटे हैं। मोटा भाभी, एक बात आपसे जरूर कहूंगी, हमारे परिवार के सामने हमारा मान अभिमान अहंकार कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमारा परिवार सबसे पहले है। एक बात कहूं मोटा भाभी, गोपी बहू जितनी मेरी बहू है उतनी ही आपकी भी बहू है। अगर मेरी गोपी बहू से कोई गलती या त्रुटि होती है तो जितना अधिकार मुझे उसे डांटने को है उतना ही अधिकार आपको भी है। तो ठीक वैसे ही आपकी बहू राशि भी तो मेरी बहू हुई, अगर राशि से कोई गलती होती है तो जितना अधिकार आपको उसे डांटने का उतना ही हक मेरा भी तो है। है कोकिला, सारे हक हैं तुम्हारे। मोटा भाभी, इसलिए कह रही हूं इससे आगे भी वही होगा जो होता आया है, हम वही कहेंगे जो हम महसूस करते हैं, जो सच है वही मैं आपसे कहूंगी, लेकिन फिर भी हम साथ साथ रहेंगे, क्योंकि यही हमारे परिवार के हित में है। मोटा बाबू, बंटवारा मत होने दीजिए मोटा बाबू। मोटा भाभी, आप बा को समझाइए। बा, पिछले दिनों में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उससे हमारे रिश्ते या हमारे प्रेम पर उंगली नहीं उठाई जा सकती बा। हाँ बा, इन छोटी मोटी चीजों से मेरा और मोटा भाभी का रिश्ता कहीं ऊपर है। ये छोटी मोटी बातें हमारे रिश्ते को हमसे अलग तो नहीं कर सकती बा। आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे और मेरे परिवार को मोटा भाई मोटा भाभी के परिवार से अलग मत कीजिए। ये बंटवारा मत कीजिए, ये लकीर मत खींचिए बा।
पापा, भगवान के लिए ठाकुर जी ना सब, हम दोनों में से कोई ये बंटवारा नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहती। मुझे आज इस बात की खुशी है कि तुम्हें बेओ भी परिवार और रिश्तों का महत्व समझ चुकी है। इस घर का बंटवारा नहीं होगा। खुश रहो, जीवते रहो। मुझे अपने परिवार पे गर्व है और परिवार में तो खटपट, कहा सुनी, ऊंच नीच, छोटे मोटे मुद्दे होते ही रहते हैं, लेकिन इन सब का प्रभाव हमारे आपसी रिश्तों पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस संबंध को जोड़ने के लिए तुम लोगों ने वर्षों लगा दिए। अब भविष्य में ऐसा कुछ भी ना होने पाए जो इतने वर्षों की मिठास को कड़वा कर दे। चलो, वचन दो मुझे। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एटला वर्षों में तमे लोगो पण आयुमा मोठी थई गई, समझदार थई गई और सासू पण बन गई। पर मेरे लिए आज भी तुम दोनों मेरी वहुओ हो, मेरी डिक्रिया और मैं तुम्हारी माँ। हाँ बा, आप हमारी सास नहीं बल्कि माँ है। भाभी, आप आरती लीजिए।
हम चलते। जय श्री कृष्ण काकी। जय श्री कृष्ण। चलो हवे पाछी थी पोतानो पोतानो सामान छाटी लो। गोपी बहु, राशि बहु, तुम दोनों रसोड़ा संभालो और मैं हेतल बहु और कोकिला बहु को मदद करूंगी। चलिए बा, चलिए मोटा भाभी। और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।